के जनकगंज थाने में फल का ठेला लगाने वाले को चोरी के शक में थर्ड डिग्री टॉर्चर दिया गया। पुलिस वालों ने उसे हाथ पैर बांध कर बेल से पीटा। 3 दिन उसके साथ मारपीट की गई। वही शनिवार देर शाम व्यापारी की हालत बिगड़ने पर परिजन थाने में जमा हो गए। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों का कहना है कि पुलिसकर्मी चोरी का झूठा आरोप लगा रहे हैं, जिस पर देर रात हवलदार शैलेंद्र दीक्षित, आरक्षक मुरारी और बनवारी शर्मा को निलंबित कर दिया। एसपी धर्मवीर सिंह का कहना है कि जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल पुलिस ने गोल पहाड़िया निवासी प्रॉपर्टी ऑफेंस की सूचना थी। अवधेश खटीक के पास सीसीटीवी फुटेज थे। वही परिजन का कहना है कि अगर पुलिस के पास चोरी के मामले में कबाड़ी का माल बेचने का बयान दिया गया था तो अवधेश खटीक की 3 दिन में भी गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। के पास एक प्रॉपर्टी ऑफेंस की सूचना थी। पुलिस के पास कुछ सीसीटीवी फुटेज थे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पे एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया गया था। उस युवक के परिजनों ने हिरासत में मारपीट के जो आरोप लगाए थे उसका संज्ञान लिया गया, उसका मेडिकल कराया गया है और जांच होने तक के लिए जो कर्मचारी जिनके अगेंस्ट में एलिगेशन थे उनको सस्पेंड किया गया है। इसकी जाँच सीएसपी लश्कर के द्वारा की जा रही है। जाँच में जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर आगामी कार्रवाई होगी।